Good morning, students. Myself, Dr. Anju Baniwal, Assistant Professor, Sociology, Government Meera Girls College, Udaipur. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन. ये टॉपिक आरएस के एग्जाम्स के अंदर मेंस में सोशियोलॉजी का टॉपिक है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है प्रश्न पूछे जाते हैं. इसलिए संस्कृतिकरण के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. हमारे जो प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री और मानवशास्त्री एमन श्रीनिवास, यानी कि प्रोफेसर मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास ने धर्म व समाज संबंधी अपने विचारों को एक आनुभाविक अध्ययन यानी कि एम्पेरिकल स्टडी के द्वारा समझाने की प्रयास किया था. और इसके लिए श्रीनिवास ने दक्षिणी भारत के कुर्ग लोगों का क्षेत्रीय अध्ययन किया और उस क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर उन्होंने जो टर्म दिया दैट इज संस्कृतिकरण. 1952 में एक बुक लिखी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया, और उस किताब में उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था. आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में सामाजिक संस्थाओं का धार्मिक जीवन के साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है. हमारी जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उन पर धर्म का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है. ये धर्म ही है जो कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण करता है और इसके साथ साथ उसके सामाजिक स्तरीकरण को भी निर्धारित करता है कि समाज के अंदर उसका स्तर क्या होगा. ये धर्म के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है. धर्म व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान करता है और उन अधिकारों के अनुरूप आचरण करके व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है. तो धर्म का किसी भी व्यक्ति के समाजीकरण के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. हम ये कह सकते हैं कि भारतीय समाज में देश, काल, परिस्थिति या फिर सामाजिक स्थिति के अनुसार ये परिवर्तन जो है हम देखते रहते हैं और व्यक्ति के कर्तव्य जो होते हैं वो उसको एक विशेष प्रकार का आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं और ये कर्तव्य ही उसके धर्म कहलाते हैं. हम धर्म को किसी संकुचित परिभाषा में नहीं रख सकते हैं. धर्म जो है कोई अलौकिक सत्ता या शक्ति में विश्वास नहीं है, बल्कि ये एक जीवन की विधि है. ये एक जीवन जीने का तरीका है जो कि हमारे समाज के सदस्यों को उनके कर्तव्यों का बोध कराता है. जब हम संस्कृतिकरण को समझने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में परंपरा और प्रगति के बीच संघर्ष रहा है. समाज के अंदर परंपरावादिता और प्रगति दोनों के बीच संघर्ष रहा है और ये संघर्ष जो है वो सामाजिक परिवर्तन को रोकने में असफल रहा है, क्योंकि परिवर्तन परिवर्तन है जो कि होकर रहता है. कहीं ना कहीं परंपरा के नाम पर हमारे सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो धीमी हो जाती है. उसको धीमी करने का प्रयत्न अवश्य किया जाता है, लेकिन फिर भी अनेक बाधाओं के बाद भी हम ग्रामीण समाज के अंदर परिवर्तन देखते हैं. लेकिन हम कह सकते हैं कि नगरीय समुदायों में परिवर्तन की गति ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा धीमी होती है, या नगरीय समुदायों में तीव्र होती है और ग्रामीण समुदायों में धीमी होती है. और ग्रामीण जो कृषि व्यवस्था है जो कि कृषि पर आधारित होती है उसमें जाति का विशेष महत्व होता है. ग्रामीण समाज में जाति संबंधी निरोगिताएं ज्यादा देखने को मिलती हैं. जाति के आधार पर आपस में विभिन्न जातियों के लोगों के संबंध जो होते हैं उनमें भी अंतर देखने को मिलता है. जाति संबंधी निरोगिता में विवाह संबंधी निरोगिता, व्यवसाय संबंधी निरोगिता, आपस में जातियों के खान पान संबंधी निरोगिता, इस प्रकार की जो निरोगिताएं हैं वो ग्रामीण समाज में अधिक देखने को मिलती हैं. तो हम कह सकते हैं कि नगरीय समुदाय जो होते हैं उनमें परिवर्तन की गति ग्रामीण समुदायों की तुलना में तीव्र होती है. ग्रामीण समुदायों में परिवर्तन कम देखने को मिलते हैं क्योंकि वहां की जो मानसिकता है लोगों की उसमें परिवर्तन जो होता है वो इतनी तेजी से नहीं आता जितनी तेजी से कि नगरीय समाज के अंदर आता है. और अगर हम इनिशियल से देखें तो अंग्रेजी शासनकाल के अंदर जब नगरों का विकास हुआ तो नगरों के विकास के साथ साथ उद्योग धंधों का विकास हुआ और उद्योग धंधों के विकास के साथ साथ जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया. क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि जाति व्यवस्था प्राचीन काल से अस्तित्व में रही है, तो उस जाति व्यवस्था ने जो परिवर्तन देखने को मिला वो नगरीकरण के कारण ज्यादा हुआ. क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव किए और जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो उस स्थिति के अंदर आपस में एक दूसरे से मिलना हुआ, आपस में एक दूसरे से संस्कारों का, सांस्कृतिक प्रतिमानों का,
चेंज हुआ एक दूसरे के साथ में, जिसके कारण जाति व्यवस्था संबंधी या जाति संबंधी जो निरोग्यताएं थी उनमें धीरे धीरे कमी आई, उसके जो प्रतिबंध थे वो धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। श्रीनिवास के अनुसार जाति जो है वो एक अत्यंत ही जटिल संस्था है, जिसकी जड़ें इतिहास में देखी जा सकती हैं, और आज भी ये संस्था लगभग 3 करोड़ हिंदुओं को अनेक महत्वपूर्ण रूपों से प्रभावित कर रही है। सामान्यतः समाज का श्रम विभाजन जो है वो पद सोपान में 5 प्रकार का है। ब्राह्मण जो कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं, जो कि पूजा पाठ का काम करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करने का कार्य करते हैं। क्षत्रिय जो कि सैनिक हैं या फिर शासक हैं। वैश्य या जो कि व्यवसाय करते हैं, व्यापारी हैं। शूद्र, नौकर, श्रमिक या कृषक जो कि चौथा स्तर है, और अस्पृश्य या अछूत जो कि 5वां स्तर है। हम इसमें कह सकते हैं कि एक जाति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची या नीची मानी जाती रही है, और अगर हम इसको देखें तो ब्राह्मण जो है वो सबसे उच्च स्तर पर है और अस्पृश्य या अछूत जो है वो सबसे निम्न स्तर पर है। प्रथम 3 जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको हम द्विज जाति कहते हैं। इनको द्विज जाति कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर उपनयन संस्कार होता है, जिसके द्वारा पुरुषों को जनेऊ धारण कराया जाता है, और ये माना जाता है कि इसी संस्कार के कारण उनका दूसरा जन्म होगा। केवल इनको ही वैदिक कर्मकांड कराने की सम्मिलित होने का अधिकार है, वैदिक कर्मकांड कराने का अधिकार है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जाति जो है उपरोक्त रूप से मूलतः एक वर्ण का ही रूप है। एमन श्रीनिवास ने मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन किया और ये बताया कि कुछ निम्न जाति के लोग जो हैं वो ब्राह्मणों की प्रथाओं को अपना रहे हैं और अपनी कुछ प्रथाओं को जैसे कि मांस खाना, मदिरा पान करना, पशु बलि आदि को छोड़ रहे हैं। ऐसा करने के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य था, वो था सामाजिक संस्तरण प्रणाली के अंदर अपने स्तर को ऊंचा उठाना, और इस स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वो ब्राह्मणों के कुछ रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं को अपना रहे थे और अपनी कुछ प्रथाओं को छोड़ते जा रहे थे। एक इसी गतिशीलता की ये जो प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया का वर्णन करते हुए श्रीनिवास ने सबसे पहले ब्राह्मणीकरण शब्द यूज किया और उसके बाद संशोधित करते हुए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी उच्च जाति या जातियों के जीवन के तरीके या संपूर्ण जीवन विधि यानी टोटल वे ऑफ लाइफ के अनुकरण करने की प्रवृत्ति संस्कृतिकरण है, और इस अवधारणा को सबसे पहले एमन श्रीनिवास ने दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि इनिशियल में निम्न जातियां ब्राह्मणों की प्रथाओं को अपना रही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय और वैश्य उनकी भी प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों को अपना रहे हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। एमन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की परिभाषा देते हुए अपनी पुस्तक द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में संस्कृतिकरण की परिभाषा देते हुए बताया कि एक निम्न जाति एक या दो पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर, मदपान को छोड़कर तथा अपने कर्म कांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण करके संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में वह जहां तक संभव है ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती है। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह वर्जित था, क्योंकि श्रीनिवास मानते थे कि जाति प्रथा जो है उस कठोर प्रणाली से काफी दूर है जहां पर कि जाति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अतः वो मानते थे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन संभव है, ये परिवर्तनशील होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि निम्न जाति जब ब्राह्मणों के रीति रिवाज, कर्म कांड इन सबको अपना कर अपने जो जातीय संस्करण है या जातिगत जो व्यवस्था है उसके अंदर उच्च स्थान प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है, तो सबसे पहले उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, और इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों की प्रथाओं को अपनाकर समाज में उच्च परिस्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिभाषा के पश्चात एमन श्रीनिवास ने
इस परिभाषा में संशोधन किया और एक नई संशोधित परिभाषा लोगों के सामने रखी, और वो परिभाषा थी कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है। स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि निम्न हिंदू जाति या जनजाति या कोई भी अन्य समूह वो ना केवल ब्राह्मणों को बल्कि ब्राह्मणों के अलावा कोई भी अन्य द्विज जाति यानी कि क्षत्रिय या वैश्य की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और पद्धति को बदलता है, और ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्करण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय से जो उसे परंपरागत रूप से स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। यानी ट्रेडिशनली या परंपरागत रूप से उसको एक पोजीशन दी हुई है कि आपका सोसाइटी में ये स्थान है, लेकिन उन सबके कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रथाओं, परंपराओं, कल्चर को अडॉप्ट करके वो उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। वो कहने लगती है कि हम इस स्थिति पे होल्ड कर सकते हैं, हमें सोसाइटी में उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। सामान्यतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव में एक दो पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि उसने चाहा कि हमने मांस खाना छोड़ दिया, मदिरा पान करना छोड़ दिया, हमने पशु बलि छोड़ दी तो हमें आप एक उच्च सामाजिक परिस्थिति प्रदान कर दीजिए। इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए जरूरी है कि बहुत लंबे समय तक, और बहुत लंबे भी नहीं, एक दो पीढ़ियों या दो तीन पीढ़ियों तक उस समूह के लोग जब इस प्रकार की प्रथाओं परंपराओं का पालन करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, अपने सोसाइटी के अंदर फॉलो करते हैं, उसके बाद ही उन्हें स्वीकृति मिलती है, समाज उन्हें स्वीकृत करता है कि आप इस पद के लिए लायक हैं। दिस इज द बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ब्स ऑफ साउथ इंडिया। अमन श्रीनिवास ने जो पूर्व में परिभाषा दी थी उस परिभाषा की बजाय जो दूसरी परिभाषा दी थी वो ज्यादा व्यापक थी, क्योंकि पहले वाली परिभाषा में उसने सिर्फ ब्राह्मणों को ही आदर्श माना था, लेकिन दूसरी वाली परिभाषा में उसने ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य आदर्श भी प्रस्तुत किए थे। तो जो सेकंड डेफिनेशन उन्होंने अपनी बुक के अंदर दी थी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ब्स ऑफ साउथ इंडिया, वो डेफिनेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट बैठती है संस्कृतिकरण के लिए। अब ये उन्होंने अपनी जो स्टडी की उसमें बताया था कि दक्षिणी भारत में जो कुर्ग लोग हैं उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का उन्होंने विश्लेषण किया और सबसे पहले संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, समाज और धर्म, यानी कि उनकी सोसाइटी और रिलीजन, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे उन्होंने स्टडी की थी, और उन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता को शो किया था। ये जो मोबिलिटी थी ये कल्चरल मोबिलिटी थी, यानी कि एक जाति दूसरी जाति की कल्चर को अडॉप्ट कर रही है, उसे अपना रही है और समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। तो दिस इज समथिंग लाइक मोबिलिटी है, लेकिन कल्चरल मोबिलिटी है। और इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ना केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बल्कि इसके अतिरिक्त अगर ग्रामीण समाज में कोई भी डोमिनेंट कास्ट है तो उसके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का भी अनुकरण किया जा रहा था। तो अभी तक हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनके ही रीति रिवाजों का, इनके ही कर्मकांडों का पालन कर रहे थे, लेकिन हमने एक चीज ये भी देखी श्रीनिवास जी ने कि जो डोमिनेंट कास्ट थी, डोमिनेंट कास्ट यानी कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जो राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध है, जो आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, एक ऐसी जाति, उस जाति का भी ये लोग अनुकरण कर रहे थे।